वेरी गुड मॉर्निंग टू माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के लेसन नंबर 2 इकोनॉमिक्स में से भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। मैं नीतू गर्ग आप सबका हमारे चैनल लर्न एट होम विद नीतू गर्ग पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। सबसे पहले भारतीय का अर्थ है भारत से संबंधित, और अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ रहेगा? अर्थव्यवस्था का अर्थ जो है दो शब्दों से बना है, अर्थ जमा व्यवस्था, और अर्थ का अर्थ है मुद्रा या धन, जबकि व्यवस्था का अर्थ होता है कोई भी स्थापित कार्य प्रणाली। तो ऐसी स्थापित कार्य प्रणाली, ऐसी संस्था या ऐसा संगठन जहां पर किसी भी प्रकार के नियमों और विनियमों का पालन होता हो, उसे हम व्यवस्था कहेंगे। यदि हम दफ्तर की ऑफिस की बात करें और वहां पर रूल्स फॉलो हो रहे हैं तो वो व्यवस्था है, और यदि वहां पर आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं तो बन जाएगी अर्थव्यवस्था। अर्थात ऐसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत सभी आर्थिक गतिविधियां, जिसमें उत्पादन भी होता हो, उत्पादन मतलब बनाना, वितरण अर्थात उसको बांट के आना, कैसे उद्योगों में बनाया उद्योगों से मंडियों तक, और खेतों में कच्चे माल के रूप में उद्योगों तक, और उपभोग भी शामिल हो, उपभोग मतलब जब वो आम लोगों तक जिन्होंने इसका प्रयोग करना है, हम सब, ये सब गतिविधियां जिसमें शामिल होती हैं उसके संचालन को अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था के अंदर दो प्रकार की गतिविधियां होती हैं, एक तो होती है आर्थिक और दूसरी गैर आर्थिक। गैर आर्थिक को आर्थिक इतर गतिविधियां भी कहते हैं। आर्थिक गतिविधियां ऐसी गतिविधियां होती हैं जिनसे हमें अर्थ अर्थात धन प्राप्त होता है, वो सभी कार्य जो धन से जुड़े होते हैं जिनके जरिए हम धन कमाते हैं। गैर आर्थिक वे क्रियाएं होती हैं जो हम करते तो हैं लेकिन उनसे हमें धन प्राप्त नहीं होता, जैसे कि एक शिक्षक के द्वारा या शिक्षिका के द्वारा किसी कॉलेज या स्कूल में पढ़ाया जाना जिसके बदले में उन्हें वेतन मिलेगा, जबकि वही जो टीचर है एक माँ के रोल में अपने बच्चों को घर पर पढ़ाती है तो वो गैर आर्थिक क्रिया है जिसके लिए उन्हें कोई भी मेहनताना नहीं मिलता। फिर हम बात करेंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर तीन प्रकार के क्षेत्र, कितने प्रकार के? तीन, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। इसके अलावा इनका संचालन दो तरीके से होता है, संगठित या असंगठित क्षेत्रों के रूप में। फिर उसके बाद है इनका मालिकाना अर्थात संचालन करने वाला कौन, सरकार या कोई कंपनी या कोई निजी व्यक्ति। इस प्रकार से हम देखते हैं जो पहला है भारतीय अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्र, जो उसकी पहला कड़ी है उसमें हम तीन देख रहे हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्र हो जाएंगे प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। देखिए सबसे पहले, इससे पहले कि हम प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियों की चर्चा करें, सबसे पहले हम इन चित्रों पर नजर दौड़ाते हैं। ये कुछ सब्जियां हैं, फूल, ये भी फूल है, ये पशु है, ये मिट्टी है और ये पेड़ पौधे हैं। मिट्टी इसमें हम अपनी फसलें उगाते हैं जिनसे हम दूध प्राप्त करते हैं, वनों से, मत्स्य से, ये भी प्रकृति से ही जुड़े हुए हैं। पेड़ पौधे ये भी प्राकृतिक उत्पाद हैं जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, उत्पाद वो वस्तुएं जो हमें प्रकृति ने दी हैं। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके किसी भी वस्तु का उत्पादन करते हैं, जैसे कि हमने मिट्टी का प्रयोग किया और फसलें उगाई, ठीक, हमने पशुओं को चारा खिलाया और दूध प्राप्त किया, चारा कहाँ से आया, प्राकृतिक संसाधन है, हमने फूल पौधे उगाए, सब्जियां उगाई, ये भी प्राकृतिक है, हमने मछलियों को पाला, मत्स्य पालन, वो भी जो है प्रकृति से ही जुड़ा हुआ है। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन करते हैं तो उसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। इसे कृषि और सहायक क्षेत्र भी कहते हैं अन्य नाम,
क्योंकि ज्यादातर जो क्रियाएं हैं वो कृषि से ही जुड़ी हुई हैं, इसीलिए कृषि या सहायक क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि अधिकांश उत्पाद जो है कृषि, डेयरी, मत्स्य पालन और वनों आदि सभी जो है कृषि से जुड़े हैं। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र। ये बहुत ही ज्यादा समझने की बात है कि प्राथमिक क्षेत्र में जो है हमने वस्तुओं का उत्पादन किया है, जबकि द्वितीयक क्षेत्र में हमने कोई नई चीज नहीं बनाई बल्कि पहली चीज का रूप बदल दिया है। जैसे कि द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के जरिए अन्य रूप में परिवर्तित कर दिया। हमें खेतों से कनक मिली थी, गेहूं मिली थी, हमने उसके आगे उसका आटा और बिस्कुट बनाया। ये प्राथमिक क्षेत्र का अगला कदम है। यहाँ वस्तु उत्पादित नहीं की जाती बल्कि निर्मित की जाती है। बिल्कुल क्लियर, वस्तुएं उत्पादित नहीं की जाती, निर्मित की जाती हैं, अर्थात उनसे जो पहले हमारे पास वस्तु है उससे नई वस्तु बनाई जाती है। यह प्रक्रिया किसी कारखाने में हो सकती है, किसी कार्यशाला में हो सकती है या फिर घर पर भी की जा सकती है। क्योंकि यह क्षेत्र उद्योगों से जुड़ा है इसीलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। हम पहले प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहते थे, कृषि क्षेत्र या सहायक, और इसे क्या कहेंगे, औद्योगिक क्षेत्र। और जो इसकी उदाहरण है ये देखिए, जैसे कि ये शर्ट है, कमीज है, किससे बनाई है हमने, ये कपास से बनाई है। ऐसे ही ये आटा है, किससे बनाया, गेहूं से बनाया। जूता है, चमड़े से बनाया। कार जो है वो हमने खनन से वस्तु लेके बनाई है। यहाँ पर एक बात और याद रखिए कि खनन जो है प्राथमिक क्षेत्र में आता है, जबकि उत्खनन जो है वो द्वितीयक क्षेत्र में आता है। कुर्सी किससे बनाई, लकड़ी से बनाई। हालांकि लकड़ी प्राथमिक क्षेत्र की वस्तु था, वहां का उत्पाद था, लेकिन कुर्सी जो है विनिर्मित है, ये द्वितीयक क्षेत्र में आएगी। फिर हम बात करेंगे तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र के अलावा आर्थिक क्षेत्र जो है, आर्थिक गतिविधियां हैं, उसकी एक तीसरी ही कड़ी है जिसे हम कहते हैं तृतीयक क्षेत्र। ये गतिविधियां जो है, तीसरे क्षेत्र की गतिविधियां, ये पहले दोनों क्षेत्रों के विकास में मदद करती है। वो दोनों बढ़ेंगे अगर तीसरा क्षेत्र अपना काम बेहतर ढंग से करेगा। ये उत्पादन प्रक्रिया में भी मदद करती हैं और ये विनिर्माण में भी मदद करती हैं। ये प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र की उत्पादित वस्तुओं को विक्रेताओं तक, उपभोक्ताओं तक ट्रकों और ट्रेनों की मदद से करती हैं। तो इस प्रकार से ट्रकों और ट्रेनों को चलाने वाले जो हैं वो तृतीयक क्षेत्र में आ गए, क्योंकि इसमें सेवाओं का सृजन किया, जैसे कि ट्रकों का, ट्रेनों का, बैंकिंग का जो है वो सारे सृजन किया उन सेवाओं का, तो इसीलिए इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। पहले को क्या कहा गया, कृषि और सहायक क्षेत्र। दूसरे को क्या कहा गया था, औद्योगिक क्षेत्र। तीसरे को सेवा क्षेत्र। क्यों कहा गया सेवा क्षेत्र, क्योंकि ये सेवाओं का सृजन करता है, इसीलिए इसे सेवा क्षेत्र भी कहा गया। थोड़ी एग्जाम्पल्स देखते हैं हम, जैसे कि कोई ट्रक चालक, कोई बैंकिंग में, कोई फल विक्रेता, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, कंप्यूटर, कैफे, ये किसमें आएंगे, तृतीयक क्षेत्र में आएंगे। हम आर्थिक गतिविधियों की और उदाहरण लेके इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि दर्जी है, दर्जी का क्या कार्य है कि कपास ली या कपड़ा लिया, कपास से कपड़ा, कपड़े से उसने काटा छाटी करके उससे आगे कोई शर्ट बनाई। टोकरी बुनने वाला, टोकरी बुनने वाला जो है, और फूल की खेती करने वाला जो, और माला बनाने वाला माली। माली के बारे में समझने की कोशिश कीजिए कि अगर कोई माली फूलों की देखभाल कर रहा है वो प्राथमिक क्षेत्र में है, लेकिन यदि कोई माली आगे माला बना रहा है वो द्वितीयक क्षेत्र में है। फूलों की खेती करने वाला प्राथमिक क्षेत्र में है, टोकरी बुनने वाला, उसने टोकरी बुनी है तो वो द्वितीयक क्षेत्र में, दर्जी द्वितीयक क्षेत्र में। पुजारी देखिए, पुजारी क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है, वो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, उनकी उपासना का एक जरिया है। इसी प्रकार महाजन जो ऋण देते हैं लोगों को ताकि लोग अपने अन्य कार्यों को पूरा कर सके, वो
अपना कोई उद्योग धंधा लगा सके, उसके लिए वो क्या करता है, ब्याज पर पैसे देता है। अंतरिक्ष यात्री है जो ऊपर जा रहे हैं, कॉल सेंटर कर्मचारी, ये सब क्या कर रही है, ये सेवाओं का सृजन कर रहे हैं। इसीलिए जो ये व्यक्ति हैं ये सभी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। फिर है किसान, क्योंकि इसका सीधा संपर्क जमीन से है, फसल निकालनी है इसे। फिर कुम्हार जो मिट्टी से बर्तन बना रहा है। अब किसान क्या है, प्राथमिक क्षेत्र में है, जबकि कुम्हार जो है जिसने चाक का प्रयोग करके, क्योंकि जहां पर कोई मशीन का प्रयोग होता है वो नेचुरली द्वितीय क्षेत्र में आ जाता है, तो कुम्हार द्वितीय क्षेत्र में है। दूध विक्रेता, अब जो दूध बेच रहा है, दूध से वो डायरेक्टली दूध लेके दूध बेच रहा है, प्राथमिक क्षेत्र में। मछुआरा, प्राथमिक क्षेत्र में। माली, ये माली जो है फूलों की देखभाल कर रहा है, पेड़ पौधों की देखभाल कर रहा है, प्राथमिक क्षेत्र में। कपास निर्माता जो कपास उगा रहा है वो भी प्राथमिक क्षेत्र में। फिर उसके बाद है शिक्षक, डॉक्टर, ऑटो रिक्शा चालक, वकील, धोबी, नाई, इंटरनेट कैफे संचालक, ये सब जो है सेवाएं दे रही हैं। इसीलिए ये सब किसमें आते हैं, ये आते हैं तृतीय क्षेत्र में। मुझे आशा है कि आपको ये जो हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। यदि फिर भी कोई दिक्कत आती है हमें कमेंट कीजिए, हम उसका आंसर और भी अच्छे ढंग से और भी ज्यादा उदाहरण से क्लियर करेंगे। अब है तीनों क्षेत्रकों की तुलना, कि तीनों में सबसे बेहतर क्षेत्र कौन है, पहले कौन सा था, अब कौन सा है। अब उसको करने से पहले हम दो टर्म करेंगे। तीनों क्षेत्रों में, प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीयक क्षेत्र में, तृतीयक में कौन बेहतर है, हम इससे पहले दो टर्म्स करेंगे, दो हम परिभाषाएं करेंगे। लेकिन उससे भी पहले क्या करेंगे, देखिए हमारे देश में हजारों लाखों की संख्या में वस्तुएं बनती हैं, सेवाएं बनती हैं। यदि हम उन्हें गिनने बैठे तो ये तो बहुत ही मुश्किल और आश्चर्यचकित कार्य हो जाएगा। कितने कारें बनी, कितने कंप्यूटर, कितने किले, कितने फर्नीचर, ये तो बहुत कठिन कार्य होने वाला है। इसीलिए हमारे कुछ जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने एक दूसरा तरीका निकाला है कि वस्तुओं की गणना ना की जाए बल्कि वस्तुओं के मूल्य को जोड़ दिया जाए, वस्तुओं के मूल्य को योग कर दिया जाए, तो हमारे पास जो है एक संख्या, एक योगफल आएगा, जिससे हम जो है देश की सकल घरेलू उत्पाद के बारे में पता लगा सकते। अब शब्द आता है अंतिम वस्तु। अंतिम वस्तु कैसे, तो क्या हम देखिए जैसे किसान है, उसके पास गेहूं है और वो गेहूं 8 रुपए प्रति किलोग्राम है। उसने वो गेहूं जो है एक आटा मिल वाले व्यक्ति को दे दी, उसे बेच दी 8 रुपए किलो प्रति जो है प्रति किलोग्राम के हिसाब से। फिर उस मिल में, आटा मिल में गेहूं की पिसाई होती है और लगभग 2 रुपए खर्चे के हिसाब से वो मिल का जो मालिक है बिस्कुट कंपनी को आटा 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच देता है। अर्थात 2 रुपए का फर्क पड़ गया, गेहूं 8 की थी अब आटा 10 का हो गया। फिर है बिस्कुट कंपनी आटा के साथ चीनी मिलाएगी, घी मिलाएगी, उसके लिए उसे आग की आवश्यकता या बिजली की आवश्यकता भी पड़ेगी, उसकी लेबर भी है, वो सब मिलाकर उसने क्या किया, जो बिस्किट बनाए उसके 4 पैकेट बना दिए। 15 रुपए पर पैकेट के हिसाब से उसने वो 4 पैकेट जो है 60 रुपए के आगे बेच दिए। तो गेहूं थी 8 की, आटा समेत हो गई, आटे की पिसाई समेत हो गई वो 10 की, और जब बिस्किट बिके, क्योंकि बिस्किट में और भी चीजें ऐड हो गई, तो उसकी कीमत हो गई 60 रुपए। अब बिस्किट जो है वो अंतिम उत्पाद है जिसमें सभी मध्यवर्ती वस्तुएं शामिल थी और जो अब सीधा उपभोक्ताओं तक पहुंचेगा, आगे उसका कुछ नहीं होगा। तो ऐसी वस्तुएं जो अब आगे मॉडिफाई नहीं होंगी और सीधी उपभोक्ताओं के पास उपभोग के लिए पहुंच जाएंगी, ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहेंगे, अंतिम उत्पाद। तो हम यहाँ पर जो किसान देख रहे हैं वो किसान जो है अपनी आटे को, अपनी गेहूं को आटा मिल को देता है, वहां पिसाई होती है, फिर उसके बिस्किट बनते हैं, वो बनता है अंतिम उत्पाद। अब
क्वेश्चन उठता है कि अंतिम वस्तु की गणना क्यों की गई, हमने आटे की कीमत, गेहूं की कीमत क्यों नहीं ली, हमने सिर्फ बिस्किट की कीमत को ही क्यों जोड़ा, क्योंकि अंतिम वस्तु के मूल्य में ही मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले से शामिल होते हैं। देखिए, जब हमने बिस्किट देखे थे तो उसमें गेहूं के 8 रुपए भी शामिल थे, उसमें आटे के 2 रुपए भी शामिल थे, और अंतिम वस्तु में पहले से ही आटे की पिसाई और गेहूं का मूल्य शामिल था। इसी वजह से हमने जिस समय देश के सकल घरेलू उत्पाद के लिए गणना करनी चाहिए तो हमने केवल अंतिम वस्तु की ही गणना की। अंतिम वस्तु की गणना और क्यों की गई, क्योंकि किसी भी वर्ष विशेष में प्रत्येक क्षेत्र के द्वारा प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में कुल उत्पादन की जानकारी देता है। हमें तीनों क्षेत्रों में जो कुछ भी उत्पादित हुआ उसका मूल्य और सेवाओं का मूल्य यह बता देता है कि कुल उत्पादन कितना हुआ। तीनों क्षेत्रों के योगफल को ही, कौन सा योगफल, वस्तुओं को अंतिम वस्तु का उत्पादन भी और सेवाओं का मूल्य भी, अर्थात तीनों क्षेत्रों के योगफल को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यह किसी भी देश के अंदर किसी वर्ष विशेष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। ये इसकी डेफिनेशन है, और पेपर में बहुत बार आता है कि जीडीपी क्या है। जीडीपी अर्थात ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अर्थात सकल घरेलू उत्पाद। और इसकी डेफिनेशन याद करते हैं, यह है किसी भी देश के अंदर किसी वर्ष विशेष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। इसे ऐसे कैसे याद कर लेना है, और ये बहुत बड़ा कार्य है, इसीलिए इसे राज्य सरकारें नहीं बल्कि ये कार्य केंद्र सरकार के मंत्रालयों के द्वारा किया जाता है। और सकल घरेलू उत्पाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके साथ ही हम अपने आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, और जल्द ही मिलेंगे भाग 2 में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।